वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुड इवनिंग मेरे सभी दोस्तों को और एक बार मेरे चैनल पे। और आज कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, रेगुलर वीडियो से थोड़ा सा अलग है। मैंने सोचा कुछ अलग सोचते हैं और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत दिन पहले मुझे मतलब कमेंट्स आ रहा था कि आपके साड़ी का कलेक्शन दिखाने के लिए। एक्चुअली में मैं हूँ बंगाली, वो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं हूँ बंगाली। तो बंगाली के पास थोड़ा बंगाली पैटर्न में साड़ी बहुत होती है, लेकिन मैं जहाँ हूँ अभी तो मेरे हस्बैंड के साथ मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो इधर है बहुत सारा साड़ी, लेकिन घर पे भी है और मम्मी के पास भी रहती हैं। तो चलिए मैं आज का जो मेरे पास जितनी भी साड़ी है वो भी बहुत सारा है, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी और आशा करूँगी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आज मैंने जो साड़ी पहना है ये पिंक कलर का एक राजस्थानी में साड़ी होता है ना, तो वही है बादनी साड़ी, राइट, बादनी साड़ी है। इसका कलर देखा आपने, बहुत प्यारा है। लास्ट मैंने गिफ्ट दिया था और बहुत ज़्यादा, इस साल दुर्गा पूजा में मैंने इसको पहली बार पहना था, तो आज फिर से पहने हूँ आपके लिए। तो चलिए आज का ये ब्लॉग इस साड़ी के साथ शुरू करते हैं। आशा करूँगी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो सबसे पहले जो मैं साड़ी दिखाऊँगी वो है ये वाला साड़ी। ये मैंने इस साल दुर्गा पूजा में ख़रीदा था। इसका जो कलर है ना बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है, बिल्कुल क्रीम कलर है। उसके ऊपर ये गोल्डन कलर का कल का टाइप में है और इसका जो पार है वो इस तरीके से है। इसका काम किया हुआ है पिंक कलर, पिंक एंड पिंक कलर, डीप पिंक कलर है ये, और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन का साड़ी है ये पूरा साड़ी में ऐसा ही है। और मैंने इसको दिल्ली से ख़रीदा था। इसका आँचल दिखाती हूँ मैं, तब आपको पता चले ये पिंक कलर का इसका आँचल है ना प्यारा। मैं यहाँ पर एक फ़ोटो भी दे दूँगी, मैंने दुर्गा पूजा में पहना भी था और पहनी थी सॉरी, और बहुत अच्छा लगता है ना, यहाँ पर मैं फ़ोटो उसका दे दूँगी। तो ये है मेरा फर्स्ट। और सेकेंड जो साड़ी है वो आपने बहुत बार देख चुके होंगे मेरे, मैंने बहुत बार पहना है क्योंकि इसका कलर मुझे सेकेंड टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ग्रीन कलर, बॉटल ग्रीन कलर मेरा फेवरेट है, मुझे लाइट वेट सिंपल साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है एक फिर से एक सिंपल साड़ी, ये केरला कॉटन, ऐसे साउथ कॉटन इसका नाम होगा। मुझे साड़ी के नाम के बारे में नहीं पूछना क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद पता नाम। तो ये है, ये साउथ स्टाइल में है, इसका सिंपल साड़ी है, बॉटल ग्रीन कलर में है और इसका जो है पार जो है ना इस तरीके से जरी की बॉर्डर है। चल जो इसका ये इसमें है, ये है इसका आँचल, अच्छा है ना। जो नेक्स्ट जो साड़ी है अगेन वही क्रीम और रेड कलर में है। ये ऐसे दुर्गा पूजा में जो दशमी के दिन होता है ना, इसके लिए स्पेशली ख़रीदा था मैंने ये साड़ी 2018 में। तो दो साड़ी आया था, एक तो मेरे मम्मी को दे दिया था और ये वाला साड़ी मेरे पास है, मैंने लिया था। इसका जो ये पार है ना मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सा ग्रेट सा लुक देता है। पल्लू है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका पल्लू इस टाइप में आता है, ये है ना, अच्छा है ना, बताइएगा ये कैसा लगा। ये वाला साड़ी भी अगेन मेरा बहुत फेवरेट है, कैसा लगा बताइएगा। मेरी मम्मी ने दिया था अभी 2-3-4 साल हो गया, ये वाला उतना नहीं पहनती हूँ बोल के बहुत ज़्यादा। योलो भी बहुत अच्छा लगता है, योलो के साथ इसका पिंक कॉम्बिनेशन है एंड ग्रीन, और इसका ये स्ट्राइप स्ट्राइप बीच में से इसका है, और इसका जो आँचल है वो है इस टाइप में,
ये इसका आंचल है। लेकिन ये साड़ी भी बहुत सुंदर लगता है पहनने के। फिर से एक योलो साड़ी आपको दिखाती हूँ, लेकिन वो वाला था योलो ग्रीन एंड पिंक, और ये वाला है योलो एंड मॉफ। एंड ये है साड़ी, और ये इसका आंचल। ये पूरा साड़ी में ना ऐसे पत्ते पत्ते टाइप दिया हुआ है, बहुत सुंदर साड़ी है। और ये हैंडलूम है, जैसे सुंदर है इसका, कैरी करना भी बहुत आसान है, बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम सुकुड़ जाता है, बहुत अच्छा है। और मेंटेनेंस ज़ीरो मेंटेनेंस है हैंडलूम साड़ी। आप कैसे भी कथा स्टिच है, जो बहुत ही अगेन फेमस है वेस्ट बंगाल में भी। ये पूरा बिल्कुल कथा स्टिच में है, बिल्कुल पूरा साड़ी ऐसे वर्क किया हुआ है। लेकिन आप ये तो आंचल की तरफ हो गया, थोड़ा थोड़ा काम करके इसका ज़्यादा में आया है। तो ये इसका बॉडी है इस टाइप में, इसका जो बॉडी स्टार्ट होता है, जो ये इस टाइप में है, जब स्टार्टिंग है तब इस टाइप में है, लेकिन थोड़ी देर फिर जाने के बाद ये पूरा ये ऐसे आता है। इसका देखा है आपने नीचे, ये इस टाइप में है काम किया हुआ, पूरा धागे से काम है, बिल्कुल पूरा धागा, पूरा धागे का वर्क किया हुआ है। और ये बहुत मतलब हेवी वर्क है, और बहुत दिन लगता है इसको बनाने में भी। तो चलिए नेक्स्ट जो साड़ी है, ये भी फिर से अगेन हैंडलूम है, और इसको दो तरीके से काम है, मिडिल मतलब पतली पल्लू है इसका। इसका आँचल जो है इस शेड में है, ये है इसका पतली पल्लू है इस टाइप में, और इसका आंचल है ये हाफ ऑफ है। इसका प्रिंट अच्छा लग रहा है, ये वाला प्रिंट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हाफ ऑफ में है, ये भी अगेन एक हैंडलूम साड़ी है, ये मैंने लिया था, तो ये भी अच्छा लगता है। आपको लगेगा ना पिंक बहुत साड़ी है, मेरे पास सब कलर की है वैसे, लेकिन ये अच्छा लगता है। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको, कलर इसका स्काई नहीं है, ग्रीन टाइप में है, लेकिन आपको स्काई दिख रहा होगा, लेकिन इसका कलर जो है ना बहुत प्यारा है। और ये भी अगेन लीफ, इसका डिज़ाइन जो है लीफ स्टाइल में है, और ये धागे से काम किया हुआ है, पिंक है बीच में और ग्रीन है, ये नहीं दिख रहा है बट ये ग्रीन कलर है। और इसका जो पार है सिंपल सा है, इस टाइप में है, बहुत मतलब लाइट नहीं बोलूँगी और हेवी भी नहीं बोलूँगी, मिडिल में है, लेकिन कलर इसका बहुत अच्छा लगता है। उसके मैं आंचल, ये इस साड़ी का खासियत इसकी जो आंचल है इसमें छुपा हुआ है। देखिए इसका काम बिल्कुल बारीकी से किया गया है, बर्ड्स है पूरा, बिल्कुल धागे का काम है ना, अच्छा लगा ना ये वाला इसका साड़ी का। बस ये बहुत सुंदर एक पार्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैसे लग रही हूँ बता, कैसे लग रही हूँ, ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को पता नहीं इस साड़ी से क्या प्रॉब्लम है, इनको नहीं पसंद, लेकिन मुझे पसंद है ये वाला साड़ी। नेक्स्ट चलिए, ये है पूरा रेड कलर का साड़ी, एकदम रेड सॉलिड रेड कलर का है, और बीच बीच में जो है इसका टेम्पल पार है, आपको पता चल रहा होगा ये टेम्पल बना हुआ है बीच बीच में, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल साड़ी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है रेड कलर, रेड कलर सुहागन की निशानी है ना, रेड कलर तो अच्छा लगता है। इसका जो आंचल है वो इस साइड, मैंने खोल रही हूँ पूरा साड़ी, बहुत टाइम लगेगा, ये देखिए पता चल रहा है ना, ये ऐसे आता है, हैंडलूम साड़ी है, ये भी हैंडलूम है, और हैंडलूम बहुत तरीके से होता है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट हैंडलूम है और बहुत सुंदर लगता है। ये टेम्पल है बिल्कुल, और ये मैंने मामी से लिया था, मेरी मम्मी जी है वो भी साड़ी के बिजनेस करती है, तो उनसे लिया था। साड़ी जो है ये सभी के पास ही है, ये मैंने सिकंदराबाद में जब हम लोग पोस्टिंग थे ना, तब ये बहुत नेट का साड़ी उठा था, तो मैंने ये वाला नेट मेरी जेठ की शादी में लिया था, ये वाला
निट। तो ये साड़ी तो सबके पास एक एक करके होगा ही, लेकिन डिज़ाइन अलग होगा शायद, लेकिन ये तो होगा ही साड़ी। इसका कलर बताइएगा, येलो एंड ब्लू, डार्क ब्लू, बहुत अच्छा लगता है ये भी। हस्बैंड बोलते हैं, मैं जब निकालती हूँ साड़ी, इतना सारा साड़ी लेकर आए हो तुम, क्या करोगे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना और कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगेन एक हैंडलूम साड़ी है और ये मेरे प्यारे फ्रेंड से लिया था, मेरे पायल जो दोस्त है ना उससे लिया था। ये है येलो एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन। ये है इसका कलर, पूरा साड़ी का कलर ये है और इसका पल्लू जो है, आंचल जो है ये, ठीक है। ये मैं खादी में है, बहुत अच्छा लगता है ये स्टाइल, अभी बहुत नया है और ये भी बहुत अच्छा लगता है। और ये पॉम पॉम है, बिल्कुल पॉम पॉम पॉम, मुझे पॉम पॉम फैन चलता है ना इसका, वाँ 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 आवाज़ होगा बोल के फ़ैन भी मैंने एक पर कर रखा है। सोच सकते हैं आप कितना गर्मी लग रही है। ये मिंत्रा से लिया था, फिर से मैंने ब्लैक साड़ी है, इसका जो बॉर्डर है वो ब्लू स्काई ग्रीन और इसका ये गोल्डन कलर का है डिज़ाइन। ये सिंपल साड़ी है, बस इसी में ही काम है, बस ये साड़ी है। इसको आंचल ये कलर का है इसका आंचल। और ये वाला तो साड़ी कल पहना था, आपने देखा ही था, ये एक स्काई कलर का, ये भी हैंडलूम साड़ी है, ये तो आपने कल देखा था, कल वाला ब्लॉग जो गया है उसमें मैंने ये वाला। ये है तात की साड़ी जो मेरे हस्बैंड ने सरस्वती पूजा में दिया था, सरस्वती पूजा होता है ना उसी में लिया था मैंने। ये रेड येलो कॉम्बिनेशन है इसका बॉर्डर में, इसका कमाल जो है तात की साड़ी में जो ये चौड़ा बॉर्डर होता है ना, जितना ये बड़ा होगा ना और जरी का काम जितना होगा उतना इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। तो ये ऐसा ही है, रेड कलर का है और येलो है। नेक्स्ट जो है ये एक ढाकाई जामदानी साड़ी है जो ब्लैक कलर का है, कॉटन ढाकाई जामदानी है और ये ऑरेंज ग्रीन कॉम्बिनेशन पे है। ये है कॉटन जामदानी, ये ब्लैक में है, इसका कपड़ा भी बहुत सुंदर है, सॉफ्ट है। एक एक होता है ना जामदानी बहुत चुभता है, लेकिन ये वाला ऐसा होता नहीं है, ये बहुत सुंदर लगता है। बैठना पड़ेगा क्योंकि मैं उतना देर खड़ी नहीं हो सकती। और ये पिंक कलर का साड़ी कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। ये एक कल का बीच में है, जॉर्जेट है और बादनी बोलते हैं ना, ये तो आपने देखा है। ये जॉर्जेट के में साड़ी मुझे, मेरे पास बहुत सारा है, तो ये एक जॉर्जेट है, इसका हाफ हाफ है, इसका मिडिल ये वाला है मिडिल पार्ट और ये हाफ एंड हाफ, हाफ ये भी सेम है, ये भी हाफ हाफ है। इसका ब्लैक कलर का है, ये मिडिल में ये वाला है और ये है कलर कॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें दो कलर है आपको पता चल रहा है, इधर डीप कलर है और इस तरफ जो ब्लैक गया है ना वो लाइट है। तो सिफोन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और कंफर्टेबल है, सबसे बड़ी बात है कंफर्टेबल है, आप कहीं पर भी पहनो चले जाओ, इसका मेंटेनेंस ज़ीरो मेंटेनेंस है, अच्छा लगता है। कैसा लगा ये वाला, ये भी मेरा बहुत फेवरेट है, छोटू सा हो जाता है बिल्कुल एकदम चिपक। और एक बांधनी साड़ी, ये मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया था मुझे ये साड़ी, इसका जो पल्लू है ये है और ये सेम ही है, सेम है साड़ी, लेकिन ये भी अगेन बहुत सॉफ्ट है साड़ी और बांधनी तो आपको पता ही है सॉफ्ट ही होता है बिल्कुल। नेक्स्ट जो साड़ी है अगेन ये मेरून में है और ये लाइट क्रीम बोल सकते हैं इसका कलर, और ये रोज़ पेटल बना हुआ है बीच में, ये भी अगेन हाफ हाफ साड़ी है और ये जॉर्जेट है, इसके बिंदी लगा हुआ है, ये भी बहुत सुंदर लगता है, कभी पहना के दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट। तो मेरे पास जॉर्जेट की है कलेक्शन तो है। अगेन ये लास्ट साड़ी है मेरा अभी, और एक ये मैं पहनी हूँ, तो ये है लास्ट साड़ी, ये इस टाइप में है, बर्ड्स अगेन ब्लैक है इसका और ये एक हैंडलूम भी बोल सकते हैं आप इसको, ये बर्ड्स है और इसके आंचल जो है इस टाइप में है। ये है मेरा साड़ी का कलेक्शन। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा ज़रूर।
अगर अच्छा लगे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और बहुत पसीना पसीना हो गई हूँ इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर मैं अच्छी लग रही हूँ, और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, और कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा मेरा बंगाली सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर में अच्छे रहिएगा, सेफ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, और जो सरकार की जितनी भी रूल्स हैं उसका फॉलो कीजिएगा अगर जाना भी है तो। चलिए आज का ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।